Please watch, like, share, comment, and subscribe to this channel. I am telling you because I know you will understand. आई नो एवरी थिंग आई कैन टेल यू बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड अभी प्रभाष का पॉइंट वन परसेंट भी यह डायलॉग के अंदर आपको दम लगा हो तो इसका मतलब ये मेरे बोलने के नहीं यह डायलॉग की खूबी है क्योंकि जिस तरीके से प्रभाष ने डिलीवर किया है यह डायलॉग इट इज़ गोइंग टू बी अ रेज एवरीवेयर इसके बहुत सारे मीम्स क्लिप्स और शॉर्ट uh, वीडियोस के ऊपर इसको बहुत यूज़ किया जाएगा एंड एज अ टीज़र ये इसका बहुत अच्छा एक अट्रैक्शन भी है एंड इट इज़ अ हाईलाइट ऑफ द टीज़र अपार्ट फ्रॉम जो ये टीज़र बताना चाहता है एक स्टोरी ये जो मोनोलॉग है प्रभास का एज़ पामिस्ट विक्रमादित्य वो एकदम टॉप नॉच है और यही चीज़ इस टीज़र को मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट टीज़र्स बनाती है इस साल का तो जब इसका पोस्टर रिलीज हुआ था राधे श्याम का तो मुझ में इतनी क्यूरोसिटी नहीं थी मगर टीज़र देख के डेफ़िनेटली क्यूरोसिटी जगी है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ये मूवी जो है बिग बजट होने वाली है और प्रभास की मूवीज तो लार्जर देन लाइफ ही होती हैं तो एक्सपेक्टेशंस uh, के मामले के अंदर मैंने इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी नहीं थी मगर इट इज़ गुड के टीजर ने आके थोड़ी एक्सपेक्टेशंस जगाई हैं uh, और डेफिनेटली जैसे ही ट्रेलर आएगा उससे हमें थोड़ा और आइडिया मिलेगा कि ये मूवी किस तरफ जा रही है एंड इसका क्या होगा मगर जहाँ तक टीज़र का सवाल है अगेन आई वुड रिपीट इट इज़ टॉप नॉच ऑल दो जो प्रभास से एक्सपेक्टेशंस है हमेशा बहुबली टू जैसी मूवी डिलीवर करने की वो एक्चुअली थोड़ा सा ना मज़ाक किरकिरा कर देती हैं बहुबली टू फिर से नहीं बनेगी और ना ही वैसा क्रेज़ फिर से जमेगा हाँ एज uh, राधे श्याम हो सकता है कि राधे श्याम और भी बड़ी हिट हो मगर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे साहू का हाल हुआ राधे श्याम का हाल भी वैसा हो तो इट इज़ अप टू द स्टोरी एंड अप टू द परफॉर्मेंसेस के भी पता चले कि पिक्चर कैसा है उससे पहले हम बस एंटिसिपेट करते हैं कि भाई ये बहुबली टू के रिकॉर्ड तोड़ेगी मगर अगर हम वो एक्सपेक्टेशन के साथ मूवी देखने जाएंगे तो कभी वो मूवी के अंदर मज़ा नहीं आएगा राधे श्याम का टीज़र जो है वो बहुत ही यूनिक है एंड ये टीज़र बहुत ही अहम चीज़ बताता है इस मूवी की रिलीज़ डेट जो कि 14 जनवरी 2022 में है तो फाइनली पैंडमिक में डिले होने के बाद में ये मूवी जो है रिलीज़ होने वाली है थिएटर्स के अंदर एंड अगेन एक अजब सी मैडनेस होगी जो प्रभास मूवीज़ के लिए हमेशा होती है एंड होपफुली ये मूवी ओवरऑल साहू से बेटर हो क्योंकि साहू के अंदर खाली एक्शन के ऊपर कंसंट्रेट किया गया था मगर ये मूवी थोड़ी सी अलग लगती है थोड़ी सी हटके लगती है आई होप सो यू अंडरस्टैंड that why you need to like or even dislike this video because interaction is very important thank you for watching guys